लोला या बनोबो? वैसे ना तो लगता कोई मजेदार जगह है, रहना चाहते हो वहां पे? हो सकता जी अच्छी हुई थे। ये जो यतीम चैंपेंजी होते हैं ना, जो लावारिस होते हैं बेचारे, उन्हें रखने की जगह है। बांदर कहने अंदर चिंपैंजी होंगे। इनकी एक सबसे तगड़ी किस्म जो है ना वो है गोरिल्ला। सर गोरिल्ला तो इन्हू भी कहना पहलवान जी की हाल है। गोरिल्ला 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 तो इन्हू भी कहना पहलवान जी की हाल। यहाँ पर जो रिजर्व्स हैं जहाँ गोरिल्ला मौजूद है, आप गोरिल्ला से मिल सकते हैं, बशर्ते कि आपको कोरोना वायरस ना हो, आपको जुकाम ना हो, आपका गला ठीक हो। ओ साले नु भावें होया होवे। आई बांदरा बूंदरा जो निकलो अगे चलो चलो। सरपंट डू कोंगो, माशाल्लाह ये भी बांदर ही है। सरपंट ये क्या होता है? आपको सरपंट कहते हैं, जिस तरह आप लाहौर चिड़ियाघर में तोतों शोतों के साथ तस्वीरें नहीं उतरवाते, जी जी, कंधे पे बिठा के मुख्तलिफ तरीकों से, उसी तरह आप यहाँ पे सरपंट्स के साथ तस्वीरें उतरवा सकते हैं, गले में डालकर। मतलब पाइथन है तो आप गले में डालें, आपका डर उतरे। आप पाइथन गले में डालें तो डर उतरेगा। किसका? पाइथन का। और पाइथन ऐसे गले जी ने इंज बैठो छा रोके, थोड़ी देर बाद जोगी ने कहता ओ ला भी ले किते पुत्र ही ना जाए। फजूल बेतुकी बातें कर रहे हो। अच्छा क्या बात है यार, दादी किसमें डेढ़ घंटे हैं जी करके थे, क्या यार फजूल बात है। नयामु रजीरा लाखे चौधरी होना है थोड़ा। ये सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है। अगर आपने ताजा लावा देखना हो, वाह, पिघलता खोलता चश्मे की शक्ल में नीचे आता हो, अच्छा अच्छा ऐसी लगता मर गए हैं। और दोजख दी मंजर कशी हो। अरे हो जा बंदा गल्ला च ला के ना उधर ले जांदा हुंदा। दरिया को ठंडी जगह। अच्छा जी यहाँ पर फिल्में बड़ी बनी है, द लेजेंड ऑफ टारजान, क्या कहने, होटल रवांडा, द नन स्टोरी, फिर द गुड शेपर्ड, एंजेलिना जूली एंड रॉबर्ट डिनेरो, खाबे, साका साका। ए साका की है जी? साका साका मछली है। ये नमक लहसुन और मेयोनीज के साथ खाते हैं, ऑलिव ऑयल में फ्राई की जाती है और इसे खाया जाता है उबली हुई शकरकंदी के साथ। माड़ी गल है, मछली तो इतनी मेहनत करके ना शकरकंदी। और शकरकंदी वेख के मच्छी कह रही थी दो रुपए। मानदेसू, मानदेसू, मानदेसू क्या है? उसी दसना साड़ी जाने बला मानदेसू चने होंगे चने। ये एक अच्छी डिश है, सफेद फलियां नहीं होती। देखा नजदीक। उससे पहले आप बॉयल करें जी, फिर ठंडा करके, अच्छा जी हाँ जी, इसको मूंगफली के तेल में अच्छी तरह मसाले डालकर हाय हाय भून दे। जब चंगी तरह पाके जाए तो शकरकंदी फाड़ ले। नहीं नहीं, इसमें आप चाहे तो बीफ के पसंदे डालें, आप चाहे तो चिकन डालें, इसको अच्छी तरह भून के फिर सिंघाड़े के साथ खाएं। नहीं सिंघाड़े के साथ क्यों? सारा खीर तो एक अजीब जी चीज आ जाती है ना। नहीं नहीं मेयोनीज लें, सारे पहले भी तो लाए हैं। हाँ तो इसमें भी गूंधा हुआ आटा जो है ना वो मेयोनीज में गूंधते हैं, उसके रोटी के साथ फिर आप ये मानदेसू खाएं। मोकलाऊ, अच्छा इतने सारे ना अब नॉर्मल हो गए। मोकलाऊ है क्या? क्या सर? मछली का शोरबा, नारियल का दूध, मूंगफली का पेस्ट। अच्छा आधा किलो शकरकंदी। जब तैयार हो जाए तो चिलगोजे के साथ खाएं। रख के दोनों साइडों पे आप टमाटर, लाल और सब्ज मिर्च और पेस्टिंग करें मेयोनीज के साथ। फूफू, तो ये नूडल्स होंगे। मैं दसना जे तू मतलब तेज मिर्च वाला खाना खा लेंदे तो करदा ना फूफू फूफू उवा। ओ अच्छा इहदे घर वाले ना इहदे मुंह च कपड़े भी रख लेंदे। कसावा एक सब्जी है जो शकरकंदी टाइप, इसमें भी रूट्स होती हैं, उसको उबालें फिर मुर्गी के शोरबे में अच्छी तरह पकाएं उसको और फिर मेयोनीज की रोटी के साथ खाएं। उतना प्रेजेंट हलफ नहीं चुकता शकरकंदी चुकी। मोहम्मद अली बॉक्सर जिहड़ा है ना उन्हें डिशा तो बाद उन्हें कुटिया सी। खबर है कि 100वीं सालगिरह मनाने के लिए हवालात का इंतखाब करने वाली खातून तवज्जो का मरकज बन गई। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है सर। हाँ जी,
ये होती ना बकेट लिस्ट जी जी, एक जो अपनी आखिरी ख्वाहिशात की ये चीजें मरने से पहले पहले करनी है। बड़ी खूबसूरत फिल्म है बकेट लिस्ट जी सर, वाह, जैक निकल्सन और मॉर्गन फ्रीमैन, मॉर्गन फ्रीमैन, हाँ जी, बहुत खूबसूरत फिल्म। इसकी भी बकेट लिस्ट में ये शामिल था कि मैंने एक रात जेल में जरूर काटनी। तो फिर वहां पे एहतराम करते हैं सीनियर सिटीजन का, उनके जी हम फिर आएंगे आपको बाकायदा अरेस्ट करेंगे। सीनियर सिटीजन को फांसी भी दे देते सर। ये बात कहाँ की है? अमेरिका, नॉर्थ कैरोलिना। ये किसी केस में गए ये वैसे? उसे फिर एक फेक सा केस डालकर उसकी गिरफ्तारी डाली गई, फिर उसका मग शॉट तक लिया गया, वो जो सामने चेहरे का साइड पोज, उसे जेल में ले गए। फिर वहां पे एक कॉल भी मिलती है आपको कि आपके पास एक कॉल का राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसने फिर वो कॉल अपनी बेटी को की, उसकी बेटी बड़ी दुखी बड़ी परेशान हुई कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती अम्मी ऐस उम्र पड़ी गई, ऐस उम्र, और वो भी आज के दिन। कोई नहीं पुत्र, मैं केक काट के वापस आई ले। नहीं, उसने ये नहीं बताया, वो उसने तब बताया जब वापस घर गई, तब केक कटा और उसने पूरी वारदात बताई। सर हमारे यहाँ ऐसी ख्वाहिशात का रिवाज क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारा तो फैमिली सिस्टम इतना तगड़ा है जी। वो तो बेचारे ओल्ड होम्स में रहते हैं, बहुत खुशकिस्मत या बहुत अमीर है जो इन ओल्ड एज होम्स में नहीं जाता, वरना हमारे यहाँ तो तगड़ा है ना फैमिली सिस्टम। है ऐसे बदनसीब हमारे यहाँ भी जो नाक भों चढ़ाते हैं बुजुर्गों को देख कर, उनकी हरकत, उनके मामलात, क्योंकि बुजुर्ग तो बिल्कुल बच्चा होता है, बिल्कुल बाज़ औकात उसका रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और यही आपका इम्तहान है। सर कल मैंने वो देखा है अपना कि एक बुजुर्ग बैठे रो रहे हैं सड़क पे, आगे वो रखा हुआ सारा मांग रहे हैं, तो वो बता रहा था कि जी मेरा बेटा डॉक्टर है और 60-65 हज़ार किराए के बंगले पे रहता है और 30-35 लाख रुपए की गाड़ी है, मेरे लिए जगह नहीं है। यहाँ पाकिस्तान? पाकिस्तान में है, मैंने कहा ना अमेज़िश है बदनसीब लोगों की, और ये बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारा फैमिली सिस्टम आज भी इतना तगड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अमेरिका क्या बेचता है, यूरोप क्या बेचता है आपके आगे। साडे ते बाबे ना होण घरां दी रौनक नहीं हुंदी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बच्चे की इतनी रौनक नहीं होती जितनी बाबों की रौनक। सवेरे सवेरे घर च रौला ना पैंदे वजे लगदा बाबा पुर हो गया। और बाबा 3 बजे उठ जांदा हुंदा ऐ वी दिन ऐ वे कुकड़ दी बांग ते उठ पिया बाबा। बल्कि कुकड़ नूं जागे जगांदा नी दे बांग तेरे प्यो ने देनी है। और कुकर कहता बाबा अज तू दे दे। और जनाब मैं अपने दादा जी ने बड़ा टाइम दिता है, उन्होंने हुक्का बना के देना, थापियां बालनियां, उस तो बाद जनाब हुक्के नु ताजा करना, और उनका ज्यादातर वक्त मेरे साथ गुजरता था और मरिया भी ऐसे गलो ही 20-30 साल उन्होंने अजे जीना से इन्हें बोर ही इन्ना को कीता वो सौंदा ही नहीं सौंदा। बल्कि दादे ने इतने 2 बारी पर्चा कराया कि मैंने बोर बहुत कर रहे हैं। उन्हें 1-2 दफा इन्हें कत्ल भी करवाने की कोशिश की। मेरे दादे ने 2 बारी अखबार च भी दिता मैं इसका दादा नहीं हूँ। मरन लगा भी ये खिलाफ बयान देख गया। मेरी दादी में इंडिया दी गल्लां दसदे हुंदे सन। हाँ जी, वो जसूस सन। एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर, एक डच खातून थी फ्रांस में, वो जर्मन्स के लिए जासूसी किया करती थी, फिर उसे सजाए मौत बड़े दर्दनाक अंदाज में दी गई, माता हारी। ये द स्पाई नॉवल के बारे में जी, माता हारी, एग्जैक्टली। नहीं आपकी आज बात नहीं कर रही, आप मुझसे बात नहीं कर रहे, तो मैं तो कर रहा हूँ। आप उससे बात करो तो बात तो कर देना उनसे। तो ना साहब उन्होंने मेकअप तो पहले ना कैफी समझ के सिगरेट बना लगा। ताड़े भी बुजुर्ग होते थे, उसी बुजुर्ग को कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं कि उन्हें अभी भी हैं। अच्छा हो जी सैसदा जरा मीटर कट रहे होंगे। अच्छा जी, बात हो रही थी बुजुर्गों की सालगिरह की। ये जो डंक है जी, बेन डंक, इसने अपनी सालगिरह पिछले दिनों मनाई जहाज के अंदर, केक काटा, सबको खिलाया। जी जी जी। इंडिया में एक शख्स ने जंगल में सालगिरह मनाई थी, उन्हें दिन बड़ा सामान शमान लेके खाना पीना कमाल का, और हमला कर दिया बंदरों ने, बड़े बांदर ने आके फूंक मारी पे लोग। नहीं वो फिर इतना सा कुछ सामान बचा के भागने में कामयाब हुआ। आजकल एक ट्रेंड है अंडर वाटर सालगिरह मनाने, यानी समंदर की तह में। मैं भी वही काम करना वा जी। अकमल राय साहब अंडर गटर मनाते हैं। मैं अब आप भी को मेमोरीज शेयर करें। ग्रैंडमदर के साथ बहुत सारी यादें और मैंने बहुत मिस करती। अच्छा दादी से गुथली जो पैसे काट के लाई थी उन्हें पता ही नहीं लगता। अच्छा आम तौर पे हमारी दादियां नानियां हमें खुद ही दे देती हैं। वो सानू फकीर समझती हैं। इधर आवे। अब 10 रुपए चलना।
तेरी दादी नु दमा सी यार सालगिरह की बात हो रही थी किधर खाला जी उधर अरेस्ट हुए बैठे सालगिरह का स्यापा कदों दा पिया जी ये रिवाज ये कदीम इजिप्शियंस जो थे ना मिस्री वो सालगिरह मनाया करते थे अपनी या अपने बच्चों की नहीं अपने देवताओं की खैर ये तो आफ्ताब अब हुआ कि जो किसी ने जेल में कोई जंगल में बचपन में मेरे घर वाले मेरी बड़ी धूमधाम से सालगिरह मनाया करते थे क्यों बाकी कोई जस्टिफिकेशन होगी ना भाई शौक होते ना माँ बाप के एक हद तक सबको शौक होता है चलो थोड़ा सा धूमधाम से धूमधाम से तो उन्होंने तुम्हारी शादी नहीं की होगी खुदा दी कसम नहीं की थी किसी ने पता ही नहीं सी ये लाड़ा बनया सी तू साडे नाल नहीं जाना उतों दी गली चा अच्छा आप बता रहे थे सालगिरह आपकी धूमधाम से जाहिरी बात है बच्चा था घर में ज्यादा लाडला था सबका लाडला था अच्छा जॉइंट फैमिलीज में जो लाडले बच्चे होते ना उनकी वैसे बाकी आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है फिर सबसे बड़ी बात ये कि मतलब प्यारा बहुत था ये बात अब हलक से नहीं उतरती ओए तू कितना के प्यारा होएगा मैं 10 वर्ष टाइम बात तो बाद मरे बाव वाला गरमा लगता होएगा सर ये तो बकवास कर रहा है ना जी आप यकीन कीजिएगा कि जब मेरी सालगिरह के आते थे ना दिन हफ्ता डेढ़ डेढ़ हफ्ता पहले रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो जाते थे आपको उपटन लगाया करते होंगे सालगिरह तो दो दिन पहले मैंने मास्टर पेंट नहीं नहीं करते हैं वाकई उबटन लगाते हैं तो करंट लोगे और महीना पहले ही शुरू कर देते सर जिस महीने की सालगिरह होती बिल बहुत आता